हेलो एवरीवन, आज हम मैथ मैजिक पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फर्स्ट चैप्टर 5 नंबर्स फ्रॉम 10 to 20। बच्चों कहाँ से कहाँ तक नंबर लर्न करेंगे ये वाले चैप्टर में हम लोग 10 से लेकर 20 यानी कि 10 to 20। यहाँ पे क्या करना है, जो थिंग्स दिए हैं उसे काउंट करना है, बाद में उसी के सामने क्या दिया है उसका 10-10 के बंडल दिए हैं। कितनी स्टिक से चलो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी है 10। और यहाँ पे क्या किया है, सभी स्टिक का एक 10 का बंडल कर दिया है। यहाँ पे लिखा है अ बंडल ऑफ 10। वैसे ही यहाँ पे कितनी चोरी है गिनते हैं, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाद में क्या किया, यहाँ पे बंडल बना दिया, बंडल ऑफ 10। आफ्टर दैट कितनी मैच स्टिक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं है 10। यहाँ पे क्या किया, 10 मैच स्टिक का एक बंडल बना दिया, अ बंडल ऑफ 10। कितने बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बनाना से, तो यहाँ पे क्या किया, अ बंडल ऑफ 10, 10 बनाने का एक बंडल बना दिया। नेक्स्ट मेक अ ग्रुप ऑफ 10, क्या करना है हमें, 10 का ग्रुप बनाना है। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, बाद में क्या किया, ये 10 का एक ग्रुप बना दिया। वैसे ही हमें यहाँ पे जो थिंग्स दी है उसमें 10-10 का ग्रुप बनाना है। चलो इसमें 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ओके, अब क्या करेंगे, इसका एक ग्रुप बनाएंगे, ऐसे जो हमने काउंट किया है उसे कवर करेंगे। नेक्स्ट अब 10 का ग्रुप इसमें बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हो गई 10। अब ये 10 का ग्रुप बनाएंगे। नेक्स्ट लीव्स में 10 का ग्रुप बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हो गए। अब ये 10 का ग्रुप बनाएंगे। नेक्स्ट क्या है, चॉकलेट में 10 का ग्रुप बनाएंगे, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। जो हमने 10 काउंट की है बच्चों उसको ही कवर करना है। देखो बच्चों यहाँ पे तो कम पीछे बचे हुए थे, तो पता चल ही जाएगा कि ये तो 10 होगा नहीं, पर इसमें थोड़ा सा डाउट होगा तो चलो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिर्फ 9 ही हुए इसीलिए 10 का ग्रुप बनेगा नहीं। नेक्स्ट काउंटिंग फ्रॉम 10 to 20, क्या करना है, 10 से लेके 20 तक काउंट करना है। फिल इन द ब्लैंक्स, जहाँ पर भी ब्लैंक्स दी है वहाँ पे हमें फिल करना है। देखो यहाँ पे ब्लैंक्स है, एक एग्जांपल दिया है, देखो ये कितनी मिस्टिक है गिन कर दिया है 9, ये कितनी मिस्टिक है 1, दोनों को प्लस किया तो कितनी हुई 10, यानी कि ये सब गिनोगे तो कितनी होगी 10। चलो वैसे ही दूसरा करना है, कितनी मिस्टिक्स दी है बच्चों 10, उसके बाद में ये 1, यहाँ पे कितनी होगी, देखो ये 10 और ये 1, तो कितनी होगी 10 के बाद ये एक 11, तो यहाँ पे लिखेंगे 11। नेक्स्ट यहाँ पे कितनी मिस्टिक दी है 10, उसके बाद ये 2,
कितनी हुई देखो ये 12, 10, 11, 12 यहाँ पे लिखेंगे 12। उसके बाद यहाँ पे कितनी मैट्रिक्स दी है 10 और यहाँ पे 3, यहाँ पे देखो लिखा ही है कितनी मैट्रिक्स है वो 3 है। अब यहाँ पे दोनों को मिला कर दिया है प्लस है इजीली, तो अब हम यहाँ पे कितना लिखेंगे 10, 11, 12, 13, तो यहाँ पे लिखेंगे 13। ये काउंट करोगे तो भी वही होगा 10, 11, 12, 13, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं इसमें प्लस। यहाँ पे देखो कितनी मैट्रिक्स है 10। यहाँ पे बच्चों 4 लिख कर दिया है, आपको मैट्रिक्स ड्रॉ करनी है, 4 मैट्रिक्स आपको ड्रॉ करनी है यहाँ पे 1, 2, 3, 4। अब क्या करना है 10 और यहाँ पे 4, तो कितना होगा आपको आंसर दिया ये 14। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, क्या करना है इसमें भी ब्लैंक्स है वो फिल करनी है। यहाँ पे जगह दी है, यहाँ पे है, ओके वैसे ही जहाँ जहाँ पर जगह दी है वहाँ पे ब्लैंक्स फिल करनी है। 10 बाद में कितनी मैट्रिक्स है 5, अब कितनी हुई 10 और 5 दोनों को प्लस किया तो 15 दिया ही है, यहाँ पे 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब उसके बाद कितनी है यहाँ पे 10, ये कितनी दी है 6। अब क्या करना है दोनों का प्लस कर कर यहाँ पे आंसर लिखना है, तो गिनते हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। यहाँ पे गिनोगे तो भी वही होगा 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो यहाँ पे लिखेंगे 16। 10 दिया है, बाद में 7 लिख कर दिया है, आपको 7 मैट्रिक्स ड्रॉ करनी है बच्चों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ पे आंसर दिया है 10 का एक बंडल और ये 7, तो कितना होगा 17। नेक्स्ट 10 मैट्रिक्स दी है, यहाँ पे 8 मैट्रिक्स दी है, अब यहाँ पे लिखना है टोटल कितनी होगी 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यहाँ पे लिखेंगे 1, 8, 18। नेक्स्ट 10, यहाँ पे 9 दी है और यहाँ पे कितनी हुई 10 और 9 प्लस करेंगे तो 19 आंसर दिया ही है, यहाँ पे 10 और 10 दी है तो कितनी होगी 10, 10 का कितना बंडल हुआ है बच्चों 2, तो यहाँ पे होगी 20। थैंक यू।